फ्रेंड्स, अगर आप हाथ से कपड़े धो धो कर थक गए हैं तो आज मैं आपको वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने का तरीका बताती हूँ कि आप वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़े धोएं। आप किसी भी कंपनी का वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, लगभग सबका तरीका सेम ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ वॉशिंग मशीन की तरफ कि इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप वॉशिंग मशीन के स्विच को ऑन कर लें। फ्रेंड्स, ये है वाटर सिलेक्टर। अभी ये वॉश में है जिसमें हम कपड़े को वॉश करेंगे। अभी स्पिन में कर देंगे तो ये चले जाएगा जिसमें कपड़े को ड्राई करते हैं। अभी हमें कपड़े धोने हैं तो अब हम इसे वॉश में कर देंगे। वॉश में करने के बाद अब हम टैप से पाइप को ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें कवर को हटाना है। देखिए कि इसमें टैप से कनेक्ट हो चुका है और इसमें पानी आना स्टार्ट हो गया है। देखिए, ये है एयर टर्बो क्विक ड्राइंग सिस्टम। इसमें कपड़े है वो ड्राई होते हैं। चलिए मैं आपको इसे खोलकर दिखा देती हूँ। जब तक उसमें वाटर फिल हो रहा है तब तक मैं आपको इस साइड के बारे में बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्लास्टिक व्हील को निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको वाटर सिलेक्टर को स्पिन में करके दिखाती हूँ। ऐसे तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जब हमें इसे क्लीन करना पड़ता है तो हमें इसमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप इसमें वाटर फिल कर सकते हैं। पर चलिए अब आ जाते हैं वॉश में। देखिए, ये है वॉश टाइमर। अभी इसे नो वर्क में किया हुआ है क्योंकि कपड़े धोने स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब हम यहाँ पर कपड़े और डिटर्जेंट को डाल देंगे तब हम इसमें टाइमर सेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर है 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। हम अपने समय के अनुसार जितने नंबर पर लगाना चाहते हैं उतना पर लगा सकते हैं, पर नॉर्मली 15 नंबर पर लगाया जाता है। देखिए, जो 0 नंबर है वहाँ पर है बजर। जब कपड़ा वॉश हो जाएगा तो बजर है वो बजने लगेगा। आप इसमें कपड़े डालकर टाइमर सेट करने के बाद घर के कोई दूसरे काम भी कर सकते हैं। ये है वॉश सेलेक्टर। इसमें 3 ऑप्शंस है, डेलिकेट्स, नॉर्मल और हेवी। जो हल्के कपड़े होते हैं उसे डेलिकेट्स में धो सकते हैं, जैसे हैंकी, साड़ी, सूट, शर्ट, नाइटी, ये सब आप नॉर्मल में वॉश कर सकते हैं। और जीन्स हो गया वो आप हेवी में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रेन सेलेक्टर। इसमें 2 ऑप्शंस है, वॉश रिंस एंड ड्रेन। अभी हमें इसे वॉश रिंस में ही रहने देना है। जब कपड़े वॉश हो जाएंगे तो डिटर्जेंट वाटर को बाहर निकालने के लिए हमें इसे ड्रेन करना होगा, तब ड्रेन में लाएंगे। जब वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा तब हमें इसे वापस वॉश रिंस में ही ला देना है। यहाँ पर है स्पिन टाइमर जिसमें हम कपड़े ड्राई करते हैं। यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जितना नंबर पर भी हम इसे ड्राई करना चाहेंगे उतना नंबर पर कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली हम इसे 5 नंबर पर ही ड्राई करते हैं। यहाँ पर आपको जितने कपड़े धोने हैं उसके अनुसार आप पानी ले लें। कपड़े है वो अच्छे से पानी में डूब जाना चाहिए। अब आपको टैप को क्लोज कर देना है। उसके बाद किसी भी अच्छे कंपनी के डिटर्जेंट पाउडर को आपको कपड़े के अनुसार डाल लेना है। अब इसमें हम लोग कपड़े डालेंगे। अगर आपको वाइट कपड़े धोने हैं तो आप सबसे पहले धोकर उसे निकाल लें, क्योंकि आप दूसरे कपड़े के साथ उसे धोएंगे तो उसका कलर भी लग सकता है। यहाँ पर हम सभी कलर के कपड़े धो रहे हैं। अब छोटे कपड़ों को अलग करके धोएं, साड़ी बेडशीट के साथ बिल्कुल भी ना धोएं, क्योंकि साड़ी बेडशीट के साथ अगर आप धोएंगे तो छोटे कपड़े हैं वो उसमें बंध जाएंगे और अच्छे से साफ भी नहीं होंगे। चलिए हम लोग टाइमर को सेट कर लेते हैं। इसे हम 9 नंबर पर सेट कर रहे हैं। देखिए, कपड़े वॉश होने स्टार्ट हो गए हैं। अब हमें इसके कवर को लगा देना है। देखिए, हमने टाइम है वो सेट किया था, वो कंप्लीट हो गया है। अब बजर है वो बजने लगा है। इसके बाद हम इसे नो वर्क पे कर देंगे। अब हम इसे ड्रेन करके डिटर्जेंट वाटर को बाहर निकाल देंगे। जितने भी डिटर्जेंट वाटर थे वो ड्रेन हो चुका है। अब हमें इसे वापस वॉश रिंस में कर देना है और फिर से इसमें हमें वाटर कलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, जितने भी यूट्यूब पर वीडियोज है उसमें सिर्फ डिटर्जेंट वॉश ही बताया गया है, वाटर वॉश नहीं बताया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर वाटर वॉश भी बता रही हूँ। वाटर फिल हो जाने के बाद हम इसमें टाइमर को सेट कर लेते हैं। हम इसे 3 नंबर पर रख रहे हैं। आप जितना पर चाहे उतना पर लगा सकते हैं। कपड़े है वो रिंस हो रहे हैं। आप रिंस के इस प्रोसेस को 3 से 4 बार कर सकते हैं तो कपड़े है अच्छे से साफ हो जाएंगे। टाइमर कंप्लीट होने के बाद हम इसे नो वर्क पर कर देते हैं।
कपड़े है वो अच्छे से रिंस हो चुके हैं और ड्रेन आउट भी हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से खोल करके इसमें डाल दें। सभी कपड़े को अच्छे से डालकर इस प्लास्टिक बिल को आप डाल दें और अच्छे से बैठा दें। अगर आप अच्छे से फिट नहीं करेंगे तो ये आवाज़ आने लगेगी इसमें से। अब हमें इसे अच्छे से क्लोज कर देना है। इसके बाद टाइमर सेट करना है। कपड़े को ड्राई करने के लिए यहाँ पर हमने 4 नंबर पर सेट किया है। आप किसी भी नंबर पर सेट कर सकते हैं। कपड़े है वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपने देखा कि कपड़े ड्राई हो चुके हैं। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए धूप में सुखा देना है। आज के वीडियो में आपने वॉशिंग मशीन यूज करने का तरीका सीखा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।